असल मौजू है आखिरत, असल मौजू है कयामत, असल मौजू है अदल इलाही। इस मौजू पर इस्तेदलाल क्या है? कानून मकाफात। इस्तेदलाल को किस मजमून में पेश किया है? मजमून अदबत इंसानी। समझ में आ रही है बात? मौजू है आखिरत, दलील है दलील मकाफात, कानून मकाफात। कानून मकाफात क्या है? कानून मकाफात ये कि जो करोगे वो भरोगे, ये जो करोगे वो भरोगे ही को इस अंदाज से पेश किया है कि देखो हमने तुमको पैदा तो किया बेहतरीन मंजिल तकलीफ पर, मगर तुम्हारे आमाल अगर अच्छे नहीं हैं तो ये ना समझो कि हम इस बात का ख्याल करेंगे कि हमने क्या पैदा किया था, कैसा पैदा किया था। हमने जिस मकाम पर तुम्हें पैदा किया था, अगर तुम खुद उस मकाम की हिफाजत नहीं करोगे तो हम पस्तरीन दर्जे तक पहुंचा देंगे। ये थोड़ी कि कोई काहिराना निजाम है कि तुम मदद ना हो असफल साफरीन, हमने वो बुलंदी पे पैदा किया और बस्ती पे पहुंचा दिया, बुलंदी पर पैदा किया और बस्ती पर पहुंचा दिया। नहीं, ये बात नहीं है कि खुद खुदा ने ऐसा कुछ किया। ये सुम्मा में बहुत बड़ी बहस पोशीदा है और यहां पर फिक्रंगेज बात यह है कि देखो हर खालिक को अपनी तखलीक से मोहब्बत होती है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। मैंने तुम्हें बेहतरीन अंदाज़े तखलीक पर, बेहतरीन साचे वजूद में, वजूद के बेहतरीन साचे में तुम्हें पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद थम्मा रददनाहु असफल साफिलीन, हमने तुम्हें पस्तरीन मंजिल पे फेंक दिया। बिल्कुल सही कहा, सिवाय उनके के जो ईमान लाने वाले हैं, वो आमिलो सालिहात और अच्छे काम करने वाले हैं, उनके लिए क्या है? फलहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए बेअंदाज